वेलकम बैक स्टूडेंट। आज से जो है आपका सेशन स्टार्ट किया जा रहा है। आपके जो सब्जेक्ट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके कुछ सब्जेक्ट की और उनके जो प्रैक्टिकल हैं और इनके टोटल जो इस सेमेस्टर में मार्क्स होने वाले हैं उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। तो आप देख लीजिए इस सेमेस्टर में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल होना है, कौन से सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होना है, साथ ही साथ टोटल कितने आपके इंटरनल मार्क्स होने वाले हैं, कौन से आप कितने आपके एक्सटर्नल मार्क्स होने वाले हैं, तो इन सभी के बारे में आज की इस लेटेस्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। सो चलिए बात करते हैं अगर आपके पहले सब्जेक्ट की जो कि है आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसे आप शॉर्ट नेम में जानते हैं IMED सब्जेक्ट के नाम से। यह सब्जेक्ट जो है डिप्लोमा के लगभग सभी ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट है। सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में यह सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, बाकी और ब्रांच में यह कॉमन सब्जेक्ट है पांचवें सेमेस्टर में। तो इसका देखिए आपका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होना है, इसका ओनली एग्जाम होगा जो कि आपके 50 मार्क्स का होना है। तो इस सब्जेक्ट को हम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फ्री में ही पढ़ाएंगे, आपको कहीं से कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको फ्री बैच आपको प्रोवाइड किया जाएगा IMED सब्जेक्ट का हमारे यूट्यूब चैनल पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि थियरी ऑफ मशीन, जो थियरी ऑफ मशीन है ये आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट में है, जिसे आप नाम देते हैं टॉम का, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं टॉम। इसका भी आपका केवल एग्जाम होगा 50 नंबर का, इसका कोई भी प्रैक्टिकल आपका नहीं होना है, ये भी सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर थर्ड की बात करें, जो थर्ड सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वह है आपका मशीन डिजाइन। क्या है? मशीन डिजाइन। इसका भी ओनली आपका थियरी एग्जाम ही होगा, इसका कोई भी प्रैक्टिकल आपके इस सेमेस्टर में नहीं होना है। इसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट की बात करें जो कि है आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उत्पादन प्रौद्योगिकी, इसका देखिए 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, साथ ही साथ आपका 50 नंबर का थियरी भी होना है। 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और 50 नंबर का आपका थियरी इसमें होगा। तो यह देखिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है पूरा। एक तो सबसे पहली बात यह थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, दूसरी बात इसका प्रैक्टिकल मार्क्स जो है 50 नंबर का है। अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आप 45+ तो आप लोग इसमें प्रैक्टिकल में पा ही सकते हैं। अब आपको गेन करना है इस 50 में, इस 50 में आप कितना पा सकते हैं वो आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नंबर आपके अच्छे खासे इसमें आ जाएंगे जो कि आपके लास्ट ईयर के परसेंटेज को बढ़ावा देंगे। फिफ्थ सब्जेक्ट की बात करें तो वह है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट उत्पादन प्रबंधन नाम से जानते हैं जिसे, ये भी आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा फ्री में। यह बैच आपका पढ़ाया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसका आपका प्रैक्टिकल होना है जो कि 20 नंबर का होगा, साथ ही साथ आपका इसका थियरी भी एग्जाम होगा जो कि 50 नंबर का है। सब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, सिलेबस काफी शॉर्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको सब कुछ आसानी से पढ़ाया जाएगा। सिक्स की बात करें तो है आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, जो कि पढ़ेंगे केवल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन और कैड के। जैसे कि मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हैं वो कई ब्रांच में टूटे हुए हैं, जैसे कि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल कैड एंड डिजाइनिंग, मैकेनिकल RAC। तो देखिए जो आपका ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट है, यह पढ़ना है किसको, जो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हैं, जो मैकेनिकल प्रोडक्शन से डिप्लोमा कर रहे हैं, जो मैकेनिकल कैड एंड ड्राफ्टिंग डिजाइन से डिप्लोमा कर रहे हैं, उनको पढ़ना है ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट, ठीक है। इसका भी आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होना है और 50 नंबर के आपके थियरी एग्जाम होने हैं। सो स्टूडेंट आपके इस सेमेस्टर में जो पांचवा सेमेस्टर है इसमें टोटल आपके 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो कि 6 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर हमने बता दिया। इसके बाद जो 7वां सब्जेक्ट है वो देखिए केवल RAC के स्टूडेंट पढ़ेंगे, जिनका सब्जेक्ट है एयर कंडीशनिंग, ठीक है। ये सब्जेक्ट RAC के पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के जो स्टूडेंट हैं इनका भी देखिए 20 नंबर का प्रैक्टिकल होना है और 50 नंबर का आपका थियरी होना है। इसके बाद बात करें जो 8वें नंबर पे आता है वह आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस फर्स्ट, जो कि पढ़ेंगे मैकेनिकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले स्टूडेंट, और इसका भी आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 50 नंबर का आपका थियरी होना है। सो स्टूडेंट आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो नीचे 6, 7, 8 नंबर पे दिए गए हैं ये सब अलग अलग ब्रांचेस के लिए हैं जो कि मैकेनिकल के ही,
बहुत सारे पार्ट होते हैं ब्रांच के, उनमें से एक एक ब्रांच के स्टूडेंट इसको अपना पढ़ेंगे। ओके, लास्ट में जो कंपलसरी हो जाता है आपके पांचवें सेमेस्टर के एडमिशन के लिए, वह है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आप लोग इस समय समर ट्रेनिंग के नाम से भी इसको जानते हैं या इंटर्नशिप नाम से भी इसको जाना जाता है। जब आप बीटेक वगैरह करने जाएंगे तो आप कहेंगे हमें इंटर्नशिप करना है, तो इसके लिए आपको छुट्टियां मिल जाती हैं 3 to 4 weeks या 4 to 6 weeks की। तो आपको भी यह ट्रेनिंग करना पड़ेगा, आपने कर भी लिया होगा और अपनी पढ़ाई स्टार्ट भी कर दी आप लोग। तो यह जो है आपका टोटल 50 नंबर का होगा। तो आप लोग अगर नहीं कर पाए हैं कहीं से तो आप कहीं ना कहीं से कर लीजिए, और रेलवे काफी अपॉर्चुनिटी देता है आप लोगों को समर ट्रेनिंग करने के लिए। आपको शायद जाना भी नहीं पड़ता होगा और सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी है कॉलेज में दिखाने के लिए, जिससे कि आपका यह जो 50 नंबर है यह कटने ना पाए, आपको टोटल 50 नंबर आसानी से देखने को मिल जाए। सो स्टूडेंट, ये था आपका टोटल ब्यौरा जो हमने आपको बताया। अब बात करते हैं टोटल कितने मार्क्स के आपके होने वाले हैं। तो देखिए, ये जो 6 सब्जेक्ट हैं इसका अगर हम टोटल बात करें, हम यहाँ पर अभी आपको जोड़कर बताते हैं, आपको हम जोड़कर सब बताते हैं कितना क्या होने वाला है, इंडस्ट्रियल का मार्क्स कितना जुड़ेगा कितना नहीं जुड़ेगा, ये सब आपको अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए, मेन बात है आपके ये 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 6 सब्जेक्ट हैं आपके। तो यहाँ से टोटल आपका हो जाएगा 300 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ से 50, 20, 70, 20, 90, ठीक, और यहाँ से आपका हो गया 390, ठीक है, 390 आपका यहाँ से हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आपका इसी में जो है 50 नंबर का यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का है, तो आपका 390 और 50 इक्वल टू आपका 440 नंबर जो है आपका टोटल हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। 440 नंबर का आपका जो पूर्णांक होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, जिसमें से आपके 300 नंबर के एक्सटर्नल एग्जाम होंगे, और जिसमें से आपके यहाँ पे 90 नंबर के आपके प्रैक्टिकल वगैरह रहेंगे, और जो 50 नंबर है वो आपका इंटरनल मार्क्स जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो 440 नंबर आपके टोटल यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद इस बार का जो आपका सेशनल होगा, जिसे आप कहते हैं सेशनल मार्क्स, इस बार का जो आपका सेशनल मार्क्स होने वाला है वह आपका होने वाला है 190 नंबर का। कितना? 190 नंबर का, ठीक है। तो ये सेशनल मार्क्स कैसे मिलता है? जो स्टूडेंट पढ़ाई अपना पढ़ाई वगैरह कुछ टीचर से भी बिहेवियर वगैरह की बात करते हैं, तो इन सब के माध्यम से भी आपको सेशनल मार्क्स देखने को मिलता है। या अगर आपने फर्स्ट ईयर में अच्छा मार्क्स किया है, सेकेंड ईयर में अच्छा मार्क्स गेन किया है, तो उसके बेस पे भी आपको यहाँ पे कॉलेज के माध्यम से सेशनल मार्क्स अच्छा दे दिया जाता है, ठीक है। तो आपके बिहेवियर, आपने टेस्ट कैसा दिया, आपका पिछला रिजल्ट कैसा रहा, उन सब के बेस पे यह आपको सेशनल मार्क्स देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से टोटल अगर हम बात करें तो इस बार का जो टोटल पूर्णांक होने वाला है वह होने वाला है 630 नंबर का पांचवें सेमेस्टर के। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपका टोटल 630 नंबर का इस बार का पूर्णांक होने वाला है। अब 630 में कुछ स्टूडेंट 490 पा जाएंगे, कुछ स्टूडेंट 550 तक भी पा जाते हैं, कुछ स्टूडेंट 570 भी पा जाएंगे। वो आपकी पढ़ाई और आपके जुनून के ऊपर है कि आप कितना परसेंट ला सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे आपको एक बार हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं, जो आपका ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट है ये हमारे चैनल पर आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। जो आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ये भी आपको पूरा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो आपका IMED सब्जेक्ट है ये भी हमारे ऑफिशियल इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। जो आपका थियरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट है वो भी आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप तैयार हो जाइए, जल्द ही आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। अगर आपके दोस्त छूट गए होंगे तो आप उनको बता दीजिएगा, यहाँ पर आपको फ्री में पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको फ्री PDF भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, बाकी हमारी तरफ से जो भी सहायता हो पाएगी आप सभी के लिए हम प्रोवाइड जरूर करेंगे। थैंक यू।